नमस्कार आदर इंडिया टाउनिज, इंडिया टाउनिज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। सपा बसपा शासन काल में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को खत्म कराने की मांग को लेकर भारतीय लोक शक्ति ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में किसान नेताओं ने जल्द से जल्द दर्ज मुकदमे वापस करने की मांग की। बाकी नेताओं का कहना है कि अगर जल्द सरकार ने मुकदमे वापस न लिए तो सड़क पर उतर कर आंदोलन होगा। क्या नाम है? हमारा नाम हासिम अली है। हासिम जी, आज किस तरह का ज्ञापन देने आप यहाँ पर आए थे? बीएसपी और सपा के कार्यकाल में किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे वे अभी तक वापस नहीं हुए हैं, तो आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे कि ये मुकदमे तत्काल वापस किए जाए, नहीं वापस होते तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। तो क्या आश्वासन मिला यहाँ से? डीएम साहब ने कहा कि हमको समय दीजिए कि जो है ऊपर जो है आप मतलब सीएम साहब से बात की जाएगी, आपको जो है बताया। ये मुकदमे कब लगे थे, कौन सी समय? ये जो है बीएसपी की सरकार थी और सपा के कार्यकाल में जो भाजपा की सरकार में जो मुकदमे लगे थे वे सब वापसी हो गए थे। अभी इनकी जो जो पिछली सरकार वाले जो मुकदमे वापस नहीं हुए वो भी हम लोगों को आश्वासन मिला था वे वापस होंगे, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, अगर अभी तक वापस नहीं हुए। लगभग कितने लोगों के ऊपर मुकदमे हैं? मुकदमे तो कम से कम हज़ारों की तादाद में किसानों के ऊपर जो धरना जो हम लोगों ने धरना दिया था उस पर जो मुकदमे लगाए थे, पराली जलाना है उन पर जो मुकदमे लगे थे वही है। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।